लसोड़े का अचार बनाने के लिए आपको पहले उसको उबालना है और फिर उसको धूप में सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपको कुछ इस तरह से लसोड़ा मिलेगा। इसमें आप डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी हल्दी जैसे अचार में पड़ती है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे आप, ये सारा काम आप सुखाने के बाद कर रहे हैं, ये बिल्कुल सूख जाना चाहिए, ठीक है, पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब हम डालेंगे राई। राई कम से कम मैंने लिया है, वो छोटे वाले पैकेट्स होते हैं ना 15 रुपए वाले जो आते हैं, वो 3 पैकेट्स लिए हैं इसमें, तो इसमें मैंने डाला राई। अब हम इसको इसमें डालेंगे। राई आपको अच्छे से डाल लेनी है, पीस करके अच्छे से आपको पीस लेना है, उसके बाद आपको राई डालना है, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च, लाल मिर्च भी आप स्वाद अनुसार, आप थोड़ा तेज खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए, कम खाते हैं तो थोड़ा कम डाल लीजिए। इसके बाद हमको मिलाना है इसमें सरसों का तेल। इसमें सरसों का तेल पड़ेगा, आपको सरसों का तेल अच्छे से इसमें डाल लेना है। उसके बाद आपको इसको मिक्स कर लेना। आप चाहें तो अपने ये कलछुल से भी मिक्स कर सकते हैं, और ना हो तो अपने हाथ से मिक्स करिए। ये मिक्स करने के बाद आप एक जार में रख लीजिए, और अभी इसको कम से कम आपको 3-4 दिन धूप दिखानी है। 3-4 दिन जब आप धूप दिखा लेंगे, उसके बाद आपको अचार में डालना है सरसों का तेल थोड़ा सा और, जिससे होता है ना कि थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए अचार चल सके।